इस वीडियो में मैं आपको वन टाइम सेटलमेंट की जानकारी देने जा रहा हूं, OTS शॉर्ट फॉर्म में बोला जाता है। वन टाइम सेटलमेंट करने से आपको क्या फ़ायदा होता है, आपको बैंक कब OTS यानी कि वन टाइम सेटलमेंट के लिए ऑफर करता है और आपको यह OTS क्यों लेना चाहिए, तो यह जानकारी आपको वीडियो में मिलेगी। वीडियो को देख के आप जानकारी को बढ़ाइए और आप रिकवरी की कॉल सुन सुन के परेशानी की जो चरम सीमा को पार कर चुके हैं, इसके माध्यम से लोन को क्लोज करके उस सीमा को ख़त्म कर सकते हैं। दोस्तों, मैं हूं अब्दुल और आप देख रहे हैं। दोस्तों, स्वागत है आपका एक नए वीडियो में और आप लोग अच्छे होंगे ऊपर वाले से आशा करता हूँ, स्वस्थ होंगे ये भी आशा करता हूँ। दोस्तों, आप लोगों की जो मैसेजेस आते हैं, आप लोग फ़ोन पे जो पूछते हैं कि सर मुझे सेटलमेंट वाले कॉल कर करके परेशान कर रहे हैं, मेरे रिश्तेदारों को कॉल कर रहे हैं, मेरे ग्राम प्रधान को फ़ोन कर रहे हैं, मुझे व्हाट्सएप पे मैसेज कर रहे हैं, मुझे मेल कर करके आप बरगला रहे हैं, मेरे कलीग को, मेरी ऑफिस में, यहाँ तक कि मेरे CEO को भी वो कॉल कर रहे हैं, तो मैं क्या करूँ। तो दोस्तों, इस सारी चीज़ों को करने के अलग अलग स्टेप्स होते हैं, अलग अलग कहते ना कि एक टीम बनाने के लिए अलग अलग चीज़ों को एक समावेश किया जाता है, इसी प्रकार आपको इन सारी चीज़ों को रोकने के लिए अलग अलग चीज़ें करनी पड़ती हैं। अगर आप अपने लोन से परेशान हो गए हैं ना पे करने की वजह से, हो सकता है आपकी जॉब छूट गई हो या आपका पैसा कट हो गया हो या आप कुछ नया ट्राई करते हुए अपने लोन को अपने बिजनेस में खपा चुके हो लेकिन आप कामयाब नहीं हो, या हो सकता है कि आपके क्रेडिट कार्ड या लोन में किसी ने फ्रॉड करके आपके पैसों को लूट लिया हो और आपने उस लूटे हुए पैसों को लाने के लिए बैंकों को कॉल भी किया हो लेकिन उन्होंने वो सारा जिम्मेवारी आप पे थोप दिया है और आप फंस गए हैं उन जालों में, तो आप इन कॉलों से परेशान हैं। देखिए दोस्तों, जीवन में कोई भी परेशानी हो, हर परेशानी का कोई ना कोई समाधान होता है, तो बैंक आपको उसमें एक समाधान के रूप में वन टाइम सेटलमेंट का ऑफर देता है। दोस्तों, सेटलमेंट क्या होता है, सेटलमेंट कब करना चाहिए, क्यों करना चाहिए, इस पर ऑलरेडी मैंने वीडियो शूट कर रखा है, डिस्क्रिप्शन में लिंक है, आप जाकर देख सकते हैं। लेकिन मैं आपको जो आज OTS का इन्फॉर्मेशन देने जा रहा हूँ दोस्तों, वह बड़े आपके काम की हो सकती है। देखो, बैंक में भी मनुष्य ही बैठते हैं, मशीन तो काम करता है लेकिन वहाँ पर सोचने के लिए मनुष्य का भी कुछ ना कुछ हाथ होता है। तो दोस्तों, एक मैनेजर जब आपके अकाउंट स्टेटमेंट को देखता है, आपके क्रेडिट स्टेटमेंट को देखता है, आपके पेमेंट हिस्ट्री को देखता है, तो वो सोच सकता है कि ये बंदा पहले टाइम पे इन सब चीज़ों का पेमेंट कर रहा था, आज अचानक इसके साथ कोई ना कोई प्रॉब्लम हुई है तभी ये पेमेंट करने में डिफॉल्ट कर रहा है। जब आप एक महीना, दो महीना, तीन महीना पेमेंट नहीं करते हैं तो आपका लोन या कोई भी क्रेडिट कार्ड नॉन परफॉर्मिंग एसेट हो जाता है। NPA क्या होता है, इस पर ये मैंने वीडियो बना रखी है, अगर आपने नहीं देखा तो इस वीडियो को जाके देखिएगा। उसके बाद क्या होता है, रिकवरी के बकेट में जब आपकी कॉल जाती है तो रिकवरी वाले आपको कॉल कर करके कुछ ना कुछ रिकवर करने की कोशिश करते हैं। देखिए, शुरू में हर बैंक पैसा आपको इसलिए देता है कि वो उससे कमाई करे, जब उसकी कमाई बंद हो जाती है तो वो अपने पैसों को रिकवर करने की कोशिश करता है। यहाँ पे अगर मनुष्य की बात करें, अगर मैं आपको पैसे दूँ किसी रूप में तो मैं चाहूँगा कि भाई आपसे मैं पैसे कमाऊँ, लेकिन अगर आप मेरे पैसों को लेकर अगर आप मुझे ब्याज या कुछ कमाई करके नहीं देंगे तो मैं भी चाहूँगा यार मेरा पैसा मेरे को वापस मिल जाए। हर कॉन्टैक्ट अनुबंध में यही होता है कि सबको फ़ायदा होना चाहिए। वैलिड कॉन्टैक्ट वही होता है जिसमें सामने वाले को फ़ायदा हो और दूसरे पक्ष को भी फ़ायदा हो, ये हमारे आपने कॉन्टैक्ट लॉ में पढ़ा होगा। इसी प्रकार हर जगह पैसा हो चाहे कोई भी चीज़ हो, हर लोग फ़ायदे के लिए अपना अपना काम करते हैं। तो बैंक को जब लगता है कि मेरा पैसा आप मुझे काम करके नहीं दे रहा है तो वो रिकवर करने की कोशिश करता है, रिकॉल करने की कोशिश करता है। दोस्तों, रिकॉल क्या होता है, लोन रिकॉल किसे कहते हैं, उस पर मैंने वीडियोज़ बना रखी, आपने नहीं देखा तो उस वीडियो को भी आपका जाके देख सकते हैं। जब आपका नॉन परफॉर्मिंग एसेट में तीन महीने के बाद पैसा हो जाता है तो वह आपको क्या होता है कि वह बेच दिया जाता है अलग अलग बैड बैंक कॉन्सेप्ट को। जैसे आपने ज़्यादातर मैसेज जो आप लोगों को आए होंगे कि SBI का या सिटी बैंक का क्रेडिट कार्ड आप है ना कोटक बैंक वालों ने खरीद लिया और कोटक बैंक आपकी रिकवरी कर रहे हैं, तो क्या हुआ कि HDFC ने या फिर स्टेट बैंक ऑफ इंडिया ने अपने डेट को कोटक बैंक को सेल कर दिया, यानी कि भाई उन्होंने 100 रुपये आपसे लेने थे, उन्होंने बोला भाई मैं तुझे 50 रुपये में दे रहा हूँ और मुझे उससे 100 रुपये लेना है, अब तू उससे जितना ले सकता है ले ले, ऐसा हो चुका है। मैसेज के थ्रू आप लोगों को यह इन्फॉर्मेशन मिल भी गई होगी।
लेकिन उससे पहले दोस्तों आप लोगों को वन टाइम सेटलमेंट का अगर ऑफर मिलता है, हो सकता है कि बैंक को ऐसा लगे कि यार मैं बैड बैंक कंपनीज को भेजूं, उससे ज्यादा रिकवर मैं अच्छा कर लूंगा, तो वह इसलिए आपको ऑफर करता है। वन टाइम सेटलमेंट में आपको 75% से लेकर 50% तक का डिस्काउंट मिल जाता है। आप जितनी अच्छी बार्गेनिंग कर सकते हैं उतनी बार्गेनिंग के माध्यम से आप सेटलमेंट के लिए बैंकों को बोल सकते हैं। बैंक आपको सेटलमेंट ऑफर लेटर आपके मेल पे भेजेगा और फिर आपको वह पेमेंट करना होता है। यह चीज़ आपको बैंक कभी कभी आपने देखा होगा कि लोक अदालत के माध्यम से भी भेजता है। लोक अदालत के नाम का जो आपको लेटर आता है या आपको सेटलमेंट के लिए ऑफर आता है, वह भी यही एक चीज़ होता है जिसमें बैंक आपको लोक अदालत में बुला के अपना पक्ष और आपका पक्ष देखते हुए वहां पे आपको ऑफर करता है कि आप इतने पैसे दे दें, आपका लोन मैं ख़त्म कर दूंगा। देखिए सर दोस्तों वन टाइम सेटलमेंट आपके लिए फ़ायदा होता है, क्योंकि जब आप वन टाइम सेटलमेंट कर लेते हैं तो उसके ऊपर जो मतलब बैंक के खर्चे हो रहे होते हैं रिकवरी के या उस इंटरेस्ट लग रहा होता है, वो आपका रुक जाता है, आपको एनओसी बैंक दे देता है। इन फ्यूचर आपको लगता है कि हाँ यार मैं आप थोड़ा सा मतलब मैं कूल पीरियड में हूँ, मेरे पास पैसे आ गए हैं, मैं अपने पुराने लोन को चुकता करना चाहता हूँ, तो दोस्तों वन टाइम सेटलमेंट के बाद जो अमाउंट बचता है आप बैंक को वो दे के आप ले सकते हैं, NDC के लिए अप्लाई कर सकते हैं। NDC का मतलब होता है नो ड्यू सर्टिफिकेट। इस प्रकार आप OTS के माध्यम से आप अपने क्रेडिट कार्ड या लोन की परेशानियों को ख़त्म करके आप अपने जीवन को सहूलियत भरी नज़रों से जी सकते हैं। जीवन ऊपर वाला एक बार देता है, ज़िंदगी अगर मिली है, गलतियां की हैं तो उसको सुधारिए और ज़िंदगी को अच्छे से जीने की कोशिश करिए, क्योंकि ज़िंदगी दोबारा नहीं मिलने वाली है। दोस्तों अगर आप लोग क्रेडिट कार्ड या पर्सनल लोन या किसी भी लोन के डेट में फंस चुके हैं, आपको कोई आपको मशवरा करना है, हमारे व्हाट्सएप पे आइए, हम आपको बताएंगे कि आप क्या क्या कर सकते हैं। किसी बैंक से आपको लोन लेना है, होम लोन, कार लोन, एजुकेशन लोन, या फिर आपको लेना है लोन अगेंस्ट प्रॉपर्टी, मॉर्गेज लोन, तो आप हमसे कंसल्ट करके हमसे सलाह लेके आप कहीं से भी लें, आपको हो सकता है हम कम से कम रेट ऑफ इंटरेस्ट पे लेने की सलाह दे दें। सेटलमेंट करवाना है, हमारी टीम आपको सेटलमेंट की भी सर्विस प्रोवाइड करती है। हम दो तरीके से सेटलमेंट करवाने में आपकी मदद कर सकते हैं। ज़्यादा जानकारी के लिए व्हाट्सएप में आइए, हम बताएंगे कैसे कैसे हम सर्विस प्रोवाइड कर रहे हैं। तो अगर आप डेट की कॉल से परेशान हैं, डेट रिकवरी वाले आपको बार बार हरसमेंट कॉल करके आपको परेशान कर रहे हैं, रिश्तेदारों को कॉल कर रहे हैं, तो आप घबराइए मत, आइए व्हाट्सएप में और थोड़ी सी कंसल्टेंसी फीस में हम आपको वो सर्विस दे देंगे जो कोई भी रिकवरी डेट कंपनी नहीं दे सकती है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक रखें अपने शत का ख्याल, क्योंकि जाना तो जाना है। सी यू, बाय बाय।